नवी मुंबई के वार्षिक प्रभाग 64 में शिवसेना के युवा नेता अवधूत मोरे के जनसंपर्क कार्यालय का आज से शुभारंभ हो गया। सांसद राजन विचारे और उपनेता विजय नाहटा ने इस जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि जिला प्रमुख विट्ठल मोरे 20 वर्षों तक इस प्रभाग 64 के नगर सेवक रहे। उन्होंने यहाँ विकास और संबंधों की बड़ी विरासत तैयार की है। शिवसेना नेताओं ने विश्वास जताया कि युवा नेता अवधूत मोरे जनसेवा की इस विरासत को और आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। शिवसेना सांसद राजन विचारे और उपनेता विजय नाहटा ने आज वाशी प्रभाग 64 में युवा नेता अवधूत मोरे के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। दत्त जयंती पर महादेव बुआ शाहबाजकर के भजनों के बीच इस जनसंपर्क कार्यालय का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर सांसद राजन विचारे ने युवा नेता अवधूत विट्ठल मोरे को बधाई दी। वहीं उपनेता विजय नाहटा ने इस जनसंपर्क कार्यालय को जनसेवा का मंदिर करार देते हुए उम्मीद जताई कि युवा नेता अवधूत मोरे समाज के सभी लोगों को इस कार्यालय से मदद और न्याय देने का काम करेंगे। उपनेता विजय नाहटा ने नई मुंबई मनपा चुनाव को लेकर भी दावा किया कि अगर गठबंधन हुआ तो महाविकास आघाड़ी की जीत होकर रहेगी। विट्ठल जी मोरे साहब यहाँ पे 20-25 साल उन्होंने काम किया है, नगर सेवक करके किया है, महापालिका में पदाधिकारी करके किया। उनका जो गुडविल है उसका बहुत बड़ा फायदा और उनके एक्सपीरियंस का फायदा अवधूत को मिलेगा। नया सीखने की जरूरत नहीं और इसीलिए मुझे लगता है कि इस मंदिर से, इस कार्यालय से लोगों की बहुत बड़े पैमाने पे सेवा होगी, इसलिए मैं उनको बहुत शुभेच्छा देता हूँ। आने वाले चुनाव में यहाँ के तीनों जो पार्टीज हैं, शिवसेना है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है और कार्यकर्ता है, इन सबकी ये इच्छा है कि आघाड़ी के माध्यम से यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। तो हम सब लोग इकट्ठा अगर लड़ते हैं तो आसान हो जाएगा। शिवसेना असा एकमेव पक्ष आहे कि यामध्ये सर्व तरुण मुलं असतील किंवा इतर असतील जे काम करणारे मंडळी आहेत यांना संधी शिवसेनेच्या माध्यमातून दिली जाते। आणि आज अवधूत आमचा सिव्हिल इंजिनियर आहे आणि स्वतः तो एक चांगला उद्योजक आहे आणि त्या माध्यमातून तो आज जर समाजसेवा करण्याची त्याची इच्छा आहे आणि आज तो चांगल्या पद्धतीने युवासेनेचंसुद्धा काम करतो आहे आणि त्याला ही संधी उपलब्ध आहे आणि जास्तीत जास्त लोकांची सेवा करण्याचं काम या माध्यमातून होणार आहे। वहीं जिला प्रमुख विट्ठल मोरे ने कहा कि वे 20 वर्षों से प्रभाग 64 के विकास और नागरिकों की सेवा में समर्पित रहे हैं। उन्होंने युवा नेतृत्व को प्रभाग की सेवा का उत्तरदायित्व सौंपते हुए कहा कि अवधूत मोरे उनके कार्यों और अनुभवों का लाभ उठाते हुए जनता के लिए काम करेंगे। वहीं खुद अवधूत मोरे ने विश्वास दिलाया कि वे प्रभाग के विकास के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। पिछले 20 साल एज ए कारपोरेटर काम किया, उस वक्त में वार्ड कमेटी चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, लीडर ऑफ द हाउस, ये तीनों पोस्ट पर काम किया और सभागृह में मैं यही चाहता हूँ कि अवधूत मोरे भी इस तरह जो मैंने इस लोगों के लिए, हमारे इलाके के लोगों के लिए उनका सुझाव लेके, उनका मार्गदर्शन लेके मैंने जो काम किया, उसी तरह अवधूत मोरे भी लोगों के काम में आएंगे, लोगों की समस्या को हल करने के लिए वो खुद आगे आके काम करेंगे। हम लोगों को जस्टिस देने के लिए हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए, एजुकेशनली भी हम पूरे तैयार होना जरूरी है। वो सभी कैपेसिटी अवधूत मोरे के पास है ऐसा मैं समझता हूँ। एज ए फादर मैं ये समझने के बाद ही उनको मैं ये कार्यालय का एक उनका मौका उनको मिलेगा और यहाँ पर वो काम करेंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि इस इलाके के जो हमारे लोग हैं, जानकार लोग हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, उनके तरफ से उनको मदद होगी, मार्गदर्शन होगा और उनकी यहाँ की जो ज़रूरतें हैं इस इलाके के लोगों की, वो ज़रूरतों के मुताबिक वो काम करेंगे और यहाँ पर जो भी समस्या है वो समस्या, ये जो समाज मंदिर है हमारा शाखा का एक मंदिर है, वो मंदिर से सारी समस्याएं दूर होगी ऐसा मुझे विश्वास है। गए 35-40 साल से मेरे पिताजी विट्ठल मोरे ये एरिया में उनका कार्य शुरू था। उन्होंने समाजकरण में काफ़ी काम किया है, कार्य किया है और आज उनके साथ रह के मुझे भी वो समाजकरण करने का मैंने संकल्प उठाया है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं टाउन प्लानिंग में काम कर चुका हूँ 4 साल,
उसके वजह से ये जो एरिया है, जो रो हाउसेस का एरिया है, जो ये जो बिल्डिंग्स का एरिया है, उनको जो प्रॉपर सिस्टम से उनको जो उसका फ़ायदा होगा, जो मेरे एक्सपीरियंस का, वो मैं उनको दूंगा। मैं तो बचपन से देख चुका हूँ कि मेरे पिताजी जो कार्यालय में बैठते हैं, उधर अनेक समाज के लोग आते जाते हैं, अनेक पक्ष के लोग आते जाते हैं, उन्होंने कभी वो सब देखा नहीं। उन्होंने सिर्फ उसके लिए, उनको जैसे मदद मिल सके उसके लिए उन्होंने कार्य किया हमेशा, और मैं वही प्रयास करूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।